नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के इन जिलों में भी बंद हुए सभी स्कूल। बिहार के 8 आईएएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। बहुत जल्द थानों में कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत। 27 जनवरी को बिहार आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन जिलों में भी बंद हुए सभी स्कूल। बिहार में बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना डीएम के निर्देश पर पटना में 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा अब राज्य के अन्य जिलों के स्कूलों को बंद करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर डीएम के द्वारा आगामी 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं वैशाली में भी डीएम यशपाल मीना ने 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। शिवहर में भी भीषण ठंड और शीतलहर को लेकर 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और मधुबनी में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। सीएम नीतीश ने नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। आज यानी कि 13 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य गणमान्य मंत्री लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए थे। बता दें कि सुरक्षा के लिए 80 मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी के साथ 800 से अधिक पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। मालूम हो कि नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम ड्रोन की निगरानी में पूरा किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज 26,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का बदला मार्ग। लखनऊ मंडल के बाराबंकी जंक्शन पर एनआई कार्य को लेकर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। बता दें कि जिन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है उसमें गाड़ी संख्या 12565 और 12566 दरभंगा नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 19038 बरौनी बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12204 अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12203 सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12558 आनंद विहार मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12557 मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति एक्सप्रेस के नाम शामिल है। इसके अलावा गाड़ी संख्या 20501 और 20502 अगरतला आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है। बिहार के 8 आईएएस अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन कर दिया गया है। बता दें कि जिन भी 8 आईएएस का प्रमोशन किया गया है वह सभी 2020 बैच के अधिकारी है और वर्तमान में विभिन्न अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर तैनात है। वही 8 आईएएस अधिकारियों में पटना के एसडीओ श्रीकांत कुंडली खांडेकर, पटना सिटी के अनुमंडल पदाधिकारी गुंजन सिंह, मोतिहारी सदर के अनुमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ अनुपम, नालंदा के बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक पलासिया, बघा के अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर अनुपमा सिंह, दरभंगा के अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रमा अन्नी, दानापुर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप सिंह, सोनपुर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार निशांत विवेक शामिल है। जाने कैसी है सीएम नीतीश की नई नवेली इको फ्रेंडली ईवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई नवेली इको फ्रेंडली ईवी कार चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि अब नीतीश कुमार अपनी यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक कार का ही इस्तेमाल करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शनी से 2 इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी की गई है जिसमें 8 बैटरी स्लॉट है और ये 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। सीएम नीतीश के कार के बारे में कंपनी के एग्जीक्यूटिव अनिकेत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कार इको फ्रेंडली है और इस कार के पेंट में फूलों के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कार की एक्सेसरीज भी मक्के और अन्य फसलों के अवशेष से बनी है। मैट को बनाने में मक्के के छिलके का इस्तेमाल किया गया है। इस कार में सबसे खास बात यह है कि इसमें एडास फीचर है जो कि रडार बेस्ड है। इससे कोहरे में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा जाएगा। पटना में गंगा किनारे कलेक्ट्रेट घाट तक टूटेंगे अवैध मकान। पिछले 4 दिनों से बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे बने अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। बता दें कि बीते दिन कुर्जी मोड़ से एलसीडी घाट तक अब तक
50 झोपड़ी और 24 पक्के मकानों को तोड़ा जा चुका है। वहीं अब तक कल 250 से अधिक झोपड़ी और मकान को तोड़ा गया है। इसमें पहले दिन दिघा घाट के किनारे 100 से अधिक मकान तोड़ी गई थी। वहीं गेट नंबर 93 पर 20 मकान और 20 झोपड़ी, बांस कोठी के पास 40 झोपड़ी और 10 मकान को तोड़ा गया था। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार यह अभियान अभी लंबा चलेगा और कलेक्ट्रेट घाट तक जारी रहेगा। वहीं जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है उनमें से कुछ का कहना है कि वह काफी लंबे समय से इस स्थान पर रह रहे थे और नगर निगम को होल्डिंग टैक्स भी दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस ठंड में बिना किसी नोटिस के उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। बस एक दिन पहले जानकारी दी गई थी कि अपने घर के सभी सामान निकाल लीजिए और अगले दिन सभी घरों को तोड़ा जाना शुरू कर दिया गया। बहुत जल्द थानों में कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत। बीते दिन पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार के थानों में बहुत जल्दी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। वहीं इन ऑनलाइन शिकायतों की पड़ताल के बाद ई सनहा और ई प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। बता दें कि यह सुविधा खासकर मोबाइल, वाहन चोरी या दस्तावेज गुम होने के मामले में उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। इसके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम पर सिटीजन सेवा का अलग से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। मालूम हो कि डीजीपी के द्वारा मिशन जनसेवा के अंतर्गत 9 तरह की पुलिस सेवाएं ऑनलाइन व व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सत्यापन, लाइसेंस सत्यापन, किराएदार सत्यापन के साथ अपार्टमेंट, व्यवसाय आदि के लिए गार्ड आदि का सत्यापन शामिल है। वहीं इस ऑनलाइन सेवा का दुरुपयोग न हो सके इसके लिए आवेदक या शिकायतकर्ता का भी सत्यापन किया जाएगा। मालूम हो कि मिशन जनसेवा के तहत पुलिस कार्यालय जाने वाले फरियादियों की शिकायत 30 मिनट के अंदर मिलकर सुनने का निर्देश दिया गया है। वहीं इसके अलावा पुलिस को परिवाद की जाँच 30 दिनों में करनी होगी। लोक गायिका शारदा सिन्हा के सेवा अवैध करार देने वाला सरकारी आदेश निरस्त। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ के द्वारा शारदा सिन्हा एवं डॉक्टर उदय चंद्र मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए शारदा सिन्हा सहित 15 अन्य रीडरों की सेवा को अवैध करार देने और पेंशन एवं अन्य बकाया राशि के भुगतान नहीं देने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि अधिवक्ता शशि भूषण सिंह के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त याचिकाकर्ता को रीडर के पद पर प्रोन्नति दी गई थी। मालूम हो कि यह मामला दरभंगा स्थित एलन विश्वविद्यालय का है, जहां विश्वविद्यालय के द्वारा आवेदक को सहित 16 को नियमित नहीं किया गया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्ण पीठ के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिससे कि विश्वविद्यालय के द्वारा एक समिति का गठन कर पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए 16 रीडरों की सेवा को नियमित कर दिया गया। बाद में सभी अपने अपने पदों से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन विभाग ने नियुक्ति को अवैध मानकर सभी 16 शिक्षकों को कोई लाभ नहीं देने का आदेश दिया, जिसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बिहार का गया बना स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉपर। 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में राज्य भर के कई शहरों को पीछे छोड़ते हुए गया जिला के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप का स्थान हासिल किया गया है। बता दें कि स्वच्छता रैंकिंग 2023 के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार के गया को पहला स्थान हासिल हुआ है, जबकि देश भर की रैंकिंग में गया का 272वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं अलग अलग श्रेणी में गया शहर को कुल 3,432.30 अंक प्राप्त हुए हैं। ऐसे में इस उपलब्धि पर गया नगर निगम के अधिकारी, मेयर, उपमेयर समेत कई वार्ड पार्षदों के द्वारा अपनी अपनी खुशी जाहिर की गई है। मालूम हो कि स्वच्छता रैंकिंग में गया बेहतर रैंक ला सके इसके लिए पिछले कुछ महीनों से शहरी क्षेत्र में 125 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। गया से तकरीबन 500 टन कचरा रोजाना निकलता है, लेकिन शहर से निकलने वाले इस कचरे से जैविक खाद तैयार किया जाता है। ऐसे में यहां रोजाना 20 से 30 टन जैविक खाद तैयार होता है। अब 50 दिन में 10 शिफ्ट में होगी बीई बीटेक परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा जेईई मेन जनवरी सत्र परीक्षा के 12 दिन पहले नया सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दे दी गई है कि अब 5 दिन में 10 शिफ्ट में बीई बीटेक की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। बता दें कि पहले जी मेन परीक्षा 24 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य होनी थी, लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार 24 फरवरी को बीआरक के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर इसके बाद बीई बीटेक के लिए 27, 29, 30 और 31 जनवरी और 1 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि इस वर्ष जी मेन परीक्षा में शामिल होने के लिए 14 लाख से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में करीब 5 लाख से अधिक है। ऐसे में अब कंपटीशन भी टफ होगा। वहीं इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या भी गत वर्ष की तुलना में लगभग बराबर ही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों की भी संख्या बढ़ सकती है। 27 जनवरी को बिहार आएंगे पीएम मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण का चुनाव प्रसार अभियान बिहार से शुरू करने वाले हैं। बता दें कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के संसदीय क्षेत्र बेतिया से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। मालूम हो कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बिहार आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम को स्थगित कर अगली तारीख 27 जनवरी की तय की गई है। वहीं बेतिया के अलावा नरेंद्र मोदी का सभा बेगूसराय और औरंगाबाद में भी आयोजित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं का 10 कार्यक्रम होने वाला है। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी 3 सभा शामिल है। बिहार में महागठबंधन का बजट सत्र 5 फरवरी से संभावित।
एक तरफ जहां संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार का दूसरा बजट सत्र 5 से 24 फरवरी तक आयोजित हो सकता है। हालांकि बजट सत्र को लेकर अभी कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। बजट सत्र 9 फरवरी या 19 फरवरी से शुरू हो सकता है। फिलहाल बिहार विधानसभा सचिवालय ने सरकार से बजट सत्र की तिथि तय करने को कहा है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करेंगे। अगले दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सत्र पेश किया जाएगा। इसके बाद अन्य डिपार्टमेंट का बजट पेश किया जाएगा। अशोक चौधरी ने की के पाठक की तारीफ। इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्वास्थ्य कारण की वजह से कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा के पाठक की जमकर तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि के पाठक अच्छे पदाधिकारी है, वह शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दोबारा शिक्षा विभाग में आना चाहिए। उनकी वजह से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में एक उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा शिक्षा को सख्त और मजबूत करने के लिए है, उसके लिए के पाठक समर्पित होकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने के पाठक की छुट्टी को लेकर कहा कि वह अर्नड लीव लिए हुए हैं, उनका पारिवारिक या व्यक्तिगत काम हो। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों पर सुशील मोदी का बयान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा उन लोगों पर बयान दिया गया है जिनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर 22 जनवरी की शाम सब लोग कम से कम 5 दीप जलाकर दीपावली मनाएं और राम विरोधी नकारात्मकता के अंधेरे में आस्था का प्रकाश फैलाएं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जो 10 दिन शेष है, उस अवधि में राम भक्तों को अपने आसपास के मंदिरों में इस तरह स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए जैसे हम बिहार के लोग छठ पर्व के समय सफाई करते हैं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होगा। जो लोग आमंत्रण मिलने के बाद भी एक सात्विक कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, उनके बारे में निर्णय राम भक्त जनता करेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन पर देवी कृपा नहीं होती, वे संसाधन समय और आमंत्रण रहने के बाद भी सिद्ध मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाते। इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। बीसीसीआई की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अनुसार टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। वहीं रणजी ट्रॉफी में यूपी टीम के लिए दमदार प्रदर्शन करने वाले ध्रुव जुरेल को भी टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस टीम में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, केएस भरत और अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह और आवेश खान को जगह दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ कुल 5 टेस्ट मैच खेले जाने वाले हैं, जिसमें से बीसीसीआई की ओर से पहले दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया है। ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 25 जनवरी से 29 जनवरी तक हैदराबाद में खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से 6 फरवरी तक विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, बिहार के कितने आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। अगला सवाल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार कब आने वाले हैं? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 27 जनवरी, ऑप्शन डी 28 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 27 जनवरी। अगला सवाल, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों में से पहले टेस्ट मैच का मुकाबला कहां खेला जाने वाला है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हैदराबाद। अगला सवाल, बीआर्क के लिए परीक्षा कब आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 27 जनवरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 जनवरी। अगला सवाल, 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहर में गया के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? ऑप्शन ए 4था, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 2रा, ऑप्शन डी 1ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1ला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश सिद्धदेव, सुदुल्ला पलवी, राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, मोहम्मद अफजल मंसूरी, मोहम्मद सकीर हुसैन, ऋषिकेश शाह, विनीता सिंह, नौशत राजा, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, चंदन कुमार, जुगेश कुमार, गुड्डू कुमार, रोशन कुमारी, रमन कुमार, कपिल देवसार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्या क्या तरीका अपनाते हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।